हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है थायराइड की गोली के साथ, जैसा का रोज़ का नियम होता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। आज मैं बड़े ही टाइम से 4 बजे उठ गई हूँ और मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरी आँख जो है ना टाइम से खुल गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने दवा खाई और फैट कटर ड्रिंक मैंने भिगो दिया है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे फैट कटर ड्रिंक में क्या क्या डाली हो, तो इस बार मैं शेयर करूँगी, तो एक छोटी सी वीडियो बना के अलग से मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को रोज़ रोज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले उठ करके आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया है, आलू उबलती रहेगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और ये है प्रतिमा आप सभी के सामने, और पूरा मेरा बॉडी आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं कहाँ से मुझे फैट है, कहाँ से मुझे फैट नहीं है, ये आप लोग देख के खुद बताइएगा। जो लोग मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, देखो ऐसा है ना कि किसी को ऐसे कह देने से अच्छा नहीं लगता, उसके मन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है, वो भले ही कुछ ना बोले, शांत सा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन पे तो प्रभाव ज़रूर पड़ता होगा आप सबकी बातों को। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप लोग तारीफ़ करो, खूब बड़ाई करो, खूब बखान करो, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि आप लोग बुराई भी ना करें किसी की, क्योंकि जो मन की स्थिति होती है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाती है ऐसे, इस तरीके से जब कमेंट आते हैं भैंसिया बता नहीं एक एक थाली खाती हो, तो इस तरीके से कमेंट देखो बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग से मैंने शुरुआत कर दी है। स्ट्रेचिंग आप अपने आप से जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। आज मैं एक्सरसाइज जो कर रही हूँ ज़्यादातर मैं टमी के लिए कर रही हूँ, यानी पेट मुझे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है निकला, ऐसा मुझे पूरी बॉडी देख के लग नहीं रहा है मुझे कहीं से फैट कम करने की ज़रूरत है, या फिर कहीं भी शरीर में मुझे फैट अगल बगल चारों तरफ दिख रहा है। शरीर पूरी तरीके से एकदम ठीक है, सुडौल है, सुंदर है, जैसा कि मुझे दिख रहा होगा। आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा वो आप लोग बताइएगा। आज सुबह के 4 बजे उठी हूँ और जब से मैं मायके से आई हूँ सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करी थी, आज मैं 3रे दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, नींद भी पूरी करनी रहती है, काम भी सारा दिन होता है। अब मैं दिन में सोचती हूँ एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, गर्मी होती रहती है, सुबह के टाइम जब आँख खुल जाए तो एक्सरसाइज हो जाए। ये सारी एक्सरसाइज जो है आपके पेट के और आपके जो थाई हैं जंघों की चर्बी को कम करेगी। आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, और सारी की एक्सरसाइज मैं आज 40-40 बार करूँगी, क्योंकि पहले दिन मतलब कुछ दिन बाद शुरुआत करूँ, जैसे बीच बीच में मैं बंद कर देती थी ना। एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है, जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द आपको लगातार 3 दिन तक रहेगा, चाहे आप एक्सरसाइज करें चाहे ना करें। यहाँ तक कि जब वॉक करने जाएंगे आप ना, वॉक भी शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको वॉक से भी दर्द होगा। तो 3 एक्सरसाइज मैंने पेट के लिए करी थी, 2 एक्सरसाइज मैं हैंड और चेस्ट के लिए करती हूँ, यानी ब्रेस्ट के लिए करती हूँ, और ताकि मतलब पूरी बॉडी हमारी सेफ में रहे, कहीं से भी चर्बी और फैट जो है ना हमारा हर जगह से हटता रहे। ये नहीं कि हमें एक ही चीज़ पर फोकस करना है, हमें फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपको जहाँ से लगे कि आपका फैट जहाँ पे ज़्यादा है, आप उस चीज़ को ज़्यादा मतलब उस वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बाकी आप फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, एक्सरसाइज करके जो मन को खुशी मिलती है ना, ऐसे पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा हुआ रहता है, आपको बहुत खुशी मिलती है, संतोषजनक होता है, मतलब संतोष होता है कि चलो आज मैंने जो कुछ खाया पिया है उसके साथ मैंने एक्सरसाइज की है, हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। हमारे मन में एक तरीके से ये जो होता है, अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो मन में यही होता है कि आज तो हमने एक्सरसाइज करी नहीं है, ज़रूर हमारा वज़न बढ़ेगा। खाने पे भी पूरी तरीके से मैंने कंट्रोल जमाया है, 2 रोटी 1 रोटी खा रही हूँ, सबसे ज़्यादा फ्रूट, खीरा, दही, सलाद, छाछ ये सब ले रही हूँ, और एक्सरसाइज भी मैंने शुरू कर दी है, चाहे मैं ब्लॉग बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, और एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। आज की जो एक्सरसाइज है मैंने 15 मिनट की एक्सरसाइज की, धीरे धीरे मैं जैसे एक्सरसाइज का काउंट बढ़ाऊंगी, जैसे अभी मैंने 40 बार किया है, आगे मैं 60 बार 70 बार 80 बार करूंगी, तो धीरे धीरे उसी के साथ टाइम भी बढ़ जाता है। ये वाली एक्सरसाइज मैं जो कर रही हूँ मैंने फ़ोन में देखा था, आजकल फ़ोन खोलते ही मेरे फ़ोन में एक्सरसाइज या फिर वज़न कम करने की वीडियो आती है, क्योंकि मैं वही सब देखती रहती हूँ तो वही फ़ोन में आता है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं ये हैक काम करता है कि नहीं। और जैसे आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं बना सकते, तो अब इस तरीके से घुटनों के बल बैठ करके पैर को अपने पीछे मोड़ लें और फिर इस तरीके से एक्सरसाइज करें। ये देखिए पेट पे कितना ज़्यादा मतलब असर हो रहा है, पेट में कितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, पेट की जो चर्बी है, फैट है हमारा, इसी तरीके से कम होगा। आप करें, और दूसरी चीज़ आपके हैंड और चेस्ट
का भी फैट कम होगा इस तरीके से एक्सरसाइज करने से। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप ज़रूर कर सकते हैं पैर को मजबूत बनाने के लिए, पैर के जो चर्बी है फैट कम करने के लिए। और ये वाली एक्सरसाइज भी आपके पैर को यानी आपके थाई के और आपके पैर के फैट को कम करेगी, प्लस आपके पेट के भी फैट को कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा वजन कम होता है, हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको जैसी भी एक्सरसाइज आप आए आप करें, और नहीं आती है तो आप देख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब चीज़ों पे भरमार पड़ी है कि वजन कैसे कम करें, वजन करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होती है, तो सब कुछ भरमार है, आप देख सकते हैं मोबाइल में, फ़ोन में। और जो भी मुझे अच्छी लगी एक्सरसाइज, मैंने वो एक्सरसाइज सारी की, सारी एक्सरसाइज मैंने 20 बार, 15 बार, कोई एक्सरसाइज मैंने 10 बार की, क्योंकि आज पहला दिन, दूसरा दिन है, छोड़ छोड़ के जो एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत पेन होता है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, 15 मिनट 20 मिनट में मैंने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसके बाद ये आलू उबल चुके थे, फटाफट से मैंने इनको छीला, बहुत दिन बाद, लगभग ठंड में पराठे बनते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत दिन बाद आज मेरा मन हुआ कि चलो आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं जितना एक बार सबका नाश्ता और दोपहर का हो जाए, शाम में कुछ अलग बनाएंगे। नहीं तो पहले ठंड में क्या होता था, इतनी आलू उबाल देती थी ना सुबह नाश्ते में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर तक पराठे ही सब लोग खाते थे, क्योंकि मौसम ऐसा था सबको पराठे पसंद भी आते थे, और मुझे भी ये होता था चलो छुट्टी है पूरे दिन की, आज पराठे ही सब लोग खा लेंगे आराम से, क्योंकि पराठे वगैरह रोज़ रोज़ नहीं बनते। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल 1 चम्मच डाला था, इसमें मैंने डाला है जीरा और प्याज 2, हरी मिर्ची डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, और आज मैं प्याज डाल के बना रही थी। ऐसे मैं गांव जा रही थी ना, तो बस में मैंने देखा था उसमें आलू के पराठों में प्याज पड़ी थी, मैंने सोचा चलो भाई प्याज डाल के बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा बना था, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब अच्छा नहीं था, अच्छा था। इसमें मैंने थोड़ा सा भरवा मिर्च जो होती है उसका मसाला था वो भी मैंने डाल दिया था, थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अमचूर पाउडर की जगह आप अचार का मसाला या फिर भरवा मिर्च का मसाला इसमें ऐड कर सकती हैं, क्योंकि आलू थोड़ी सी अलग हो गई है, जैसे ठंड के महीने में आलू आती है ना तो वो बहुत अच्छी होती है, उसका स्वाद अच्छा होता है, तो अब आलू थोड़ी सी मिठास हो गई है, तो इसमें आप थोड़ा सा अचार का मसाला, अमचूर ये सब डाल दें। तो आलू अच्छे से भुन चुकी थी, इसमें मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। मसाले में मैंने सब्जी मसाला 1 चम्मच, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा वो भरवा मिर्च का मसाला, स्वाद अनुसार नमक, प्याज, हरी मिर्ची, इन सबको डाला है। अभी आलू वालू भून करके मैंने रख दिया है। मैंने सोचा चलो भाई वॉक पे चलते हैं, थोड़ी सी वॉक कराते हैं, काफ़ी सारा टाइम है आज सुबह उठ जाने के, ना इतने सारे फायदे हैं कि आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, हम सारा दिन काम करते रहते हैं, हमें खुद के लिए टाइम नहीं होता, पूरे दिन उसी में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन हम सुबह उठ जाते हैं ना उस दिन हमारे पास बहुत सारा टाइम भी होता है, बहुत सारा काम भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से, और बहुत सारा टाइम हम अपने लिए खुद के लिए बचा भी लेते हैं। तो बस वॉक हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका है, फटाफट से मैं घर आऊँगी पराठे बनाने के, बच्चों को जगा दिया था, मैंने कहा था तुम लोग उठो ब्रश मंजन करो और मैं फटाफट से वॉक करके आती हूँ। और भाई हमारी वॉक भी हो गई, एक्सरसाइज भी होगा, बहुत सारा भी टाइम भी बचा है। फटाफट से मैंने सोचा चलो अपना फैट कटर ड्रिंक भी बना के पी ही लेते हैं, फिर आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम भिगोए थे, रात को 4 बादाम लिया है। काफ़ी ज़्यादा थकान आज लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ 4 बादाम लेते हैं। तो सोक आलमंड मैंने रात को भिगो दिया था, उसके साथ 4 बादाम लिया और अपना फैट कटर ड्रिंक, थोड़ी सी एनर्जी आई। फैट कटर ड्रिंक का जो स्वाद होता है ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर रहता है, अजवाइन का, जीरा का, सौंफ का, मेथी का, धनिया का, दालचीनी का, बहुत 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 अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आटा गूंथना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, बाकी गेहूं का आटा है, और खूब नरम मुलायम, जब हम पूरी पराठे बनाते हैं ना आटे खूब मुलायम रहेंगे तो ही आपके पूरे पराठे अच्छे बनेंगे। तो बस थोड़ा सा आटा गूंथा है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी दोपहर के टाइम तो मैं ताज़ा आटा गूंथ लूँगी, अभी मैंने थोड़ा सा गूंथा है। जैसे बच्चे टिफिन ले जाएंगे, गोलू 1-2 खा के जाएंगे और पद्यो जी फिर नाश्ता करके जाएंगे, तो बस इतना आटा गूंथा है जितना मतलब नाश्ता के लिए हो जाए, बाकी दोपहर के लिए मैं फिर से नया आटा ताज़ा ताज़ा गूंथूंगी।
वो ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा आटा गूँथ लो ना, गर्मी का मौसम है तो आटा फैल सा जाता है, ऐसे पिघल सा जाता है, और ज़्यादा देर तक आटा गूँथ के रखना भी सही नहीं होता। तो फटाफट से मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया। अब पराठा तो बनाना सबको आता ही होगा, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था पराठे बनाने, लेकिन जब से मुझे देखो कोई चीज़ की हमें नॉलेज तभी होती है जब हम उसको करते करते, नहीं कहता ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जब हम कोई काम करने लगते हैं ना तो हमें उसकी आदत हो जाती है, हमें अंदाजा हो जाता है कैसे बनेगा कैसे नहीं। बाकी अब तो मैं उसे कोई भी पराठा बनवा लो, पनीर के पराठे, आलू के पराठे, सत्तू के पराठे, या फिर भरवा चने के पराठे, कोई भी पराठे मैं पूरी तरीके से बनाते हैं। मेन जो पॉइंट की बात होती है ना, आटा होता है। जितना अच्छा आटा आपका गीला गीला एकदम लचीला गुथा रहेगा, पराठे उतने अच्छे बनेंगे। आज हुआ कुछ यूँ कि आज मेरे फ़ोन की मेमोरी भर गई थी, जो मैं वीडियो शूट कर रही थी वो उसमें हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो डिलीट करती ही नहीं थी। 8 GB का मेरा फ़ोन है, पूरा भर चुका था। सो बच्चों का टिफिन बना दिया, बच्चे गए स्कूल, अब वीडियो डिलीट करने के बाद फिर से वीडियो शूट करेंगे। यहाँ पे चाय बन चुकी है, और ये कई दिन से आए हुए फ्रूट काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि इनको भी खाया जाए, इनका भी नंबर आया। तो मैंने कहा चलो भाई आज हम फ्रूट ही खा लेते हैं, थोड़ा सा स्वाद ले लेते हैं फ्रूट का। देखिए कोई भी चीज़ हम लगातार खाते हैं ना तो उससे हमारा मन भर जाता है, चाहे सेब हो चाहे कोई फ्रूट हो। तो बीच में मैंने खीरा खाना शुरू कर दिया था, तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट खा लेते हैं। तो मैंने एक सेब कट किया, थोड़ा सा अंगूर लिया, काफ़ी ज़्यादा मीठा सेब है। ये व्रत रहते हैं ना तो उस टाइम पर आता है, लेकिन इतना ज़्यादा आ जाता है कि फिर रखा रह जाता है। बच्चे भी दूध दही सब जोड़ देते हैं खाने पे, और ये फ्रूट रखा कर रखा रहता है, कोई नहीं पूछता फ्रूट मेरे अलावा मेरे घर में। तो दोपहर के बज चुके हैं अभी 12:30, खाना खाने से पहले मैंने खीरा लिया है एक कट, इनको कट करेंगे खाएंगे। खाना खाने से पहले खीरा खा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, खाना खाते समय खाओ ना तो फिर क्या है ना, तो खाने पे ज़्यादा ध्यान होता है। खाना खाते समय से बीच बीच में खीरा बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ। और खाना खाने से पहले मुझे प्यास लगी थी तो मैंने सोचा चलो भाई खीरा खाने से पहले ही सबसे पहले एक ग्लास पानी पी लेते हैं, खुद को हाइड्रेट रखना है, इस गर्मी में पानी की कमी नहीं होने देनी है, खूब सारा आपको पानी पीना है। कम से कम 3 लीटर तक तो पानी आप पी लें। पानी अगर नॉर्मल पी सकते हैं, जैसे आरओ का पानी आप भी, फ्रिज का पानी ना पिए तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, आपको मतलब कोई भी बीमारी कोई भी ऐसी शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। ठंडा पानी क्या करता है, नुकसान करता है। आज तो आत्मा एकदम तृप्त हो गई है, बहुत हल्का तेल लगाया है एकदम पराठे पे, एक बड़ा सा पराठा बनाया, एक कटोरी भर के दही, ऐसा लग रहा था ना आज मैं जन्नत, मतलब इतना बढ़िया लग रहा था, पराठे का स्वाद इतना बढ़िया था, जो इसमें भरे थे आलू ना वो भी इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे कि पूछो मत। शाम के बज रहे हैं 7:30, फटाफट से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। कुकर चढ़ाया है, इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है, कसूरी मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। अब इसमें एक प्याज मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची चॉपर से चॉप किया था, आज सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग बिटिया ने की है, और कट करके चॉपर से चॉप करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज और थोड़ी सी लहसुन हरी मिर्ची को चॉपर से चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। साथ ही इसमें एक टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। खिचड़ी भी खाए हुए बहुत दिन हो गया था, मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी खिचड़ी कब बनाऊँ। फाइनली आज खिचड़ी का दिन भी आ गया, और शनिवार को खिचड़ी बनाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। सुबह पराठे बने थे जो कि नाश्ते में दोपहर के लंच में सबने खाया पिया था, और इस टाइम मैंने सोचा खिचड़ी बना देते। खिचड़ी में मैंने 4 रंग की दाल ली है, 2-3 दालें छिलका वाली, जैसे मूँग काली वाली दाल, हरी वाली दाल और चने की दाल, 3 तरीके की दाल ली थी, और मूँग की दाल मतलब बिना छिलके वाली मूँग की दाल, और हरी उड़द की दाल, और काली क्या कहते हैं मूंग की दाल, उड़द की दाल और बिना छिलके वाली मूंग की दाल, पीली पीली जो होती है वो, चावल 1 कटोरी लिया था। और इसमें सब्जी में मैंने कुछ नहीं डाला है, ना ही गाजर, ना ही चुकंदर, ना ही आलू, कुछ भी नहीं डाला था। मटर वटर तो भाई सीजन ही नहीं है, फ्रोजन मटर मैं फ्रीजर में रखती नहीं हूँ। बस ये खिचड़ी एकदम इतना बढ़िया बन के तैयार होगी ना, इसमें पानी स्वाद अनुसार नमक डाल दो, सब कुछ भून करके, और एक सीटी लगाओ, एक सीटी के बाद आप इसे खोलो। थोड़ी सी खिचड़ी का कलर काला दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें काली दाल ऐड की थी, काली यानी उड़द की दाल ऐड कर थी, इसलिए खिचड़ी का कलर थोड़ा सा
डिम है, मतलब जैसे पीला पीला खिचड़ी होती है, अगर मैं बिना छिलके वाली मूंग की दाल ऐड करती ना तो पीली पीली खिचड़ी होती, लेकिन आज मुझे बहुत सारी दाल मिला के खिचड़ी बनानी थी, बहुत थोड़ी सी खिचड़ी बनाई क्योंकि खिचड़ी बहुत कम पसंद करते हैं बाकी सब लोग मेरे घर में। मुझे खिचड़ी रोज़ खाने को दो ना तो मुझे बहुत पसंद है। ये घी का पैकेट ख़त्म हो रखा था, मैंने सुबह रोटी में लगाई थी सबके, सॉरी पराठे वराठे में लगाया था, जिसको जैसे पसंद होता। हमारे घर में आजकल सब लोग अलग अलग तरीके से खाना पीना खा रहे हैं भैया, सबका जिसका जैसा मन हो उसी तरीके से खाएँ, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। खाने में किसी को पसंद नापसंद का मतलब ये नहीं करना चाहिए। मैंने भी खिचड़ी परसी खाई अचार के साथ, घी के साथ, दही शाम के टाइम नहीं खाया। और ये दूध जो है मैंने इसको सोचा फ्रिज में रख देते हैं सोने जाने से पहले। बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई करी, दिन में दो बार तो किचन की साफ़ सफाई, बर्तन तो कितने बार धुलते हैं कोई बात ही नहीं। प्यास लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, गुड़ खाने के बाद प्यास और बढ़ जाती है। प्यास मतलब खूब ढेर सारा पानी पिया जाता है, पानी आप लोग खूब सारा पिएं। और आज खिचड़ी पेट भर खाई थी तो दूध पीने का मन नहीं था, सिर्फ पानी पीना था, क्योंकि मैंने खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया था। खिचड़ी गरम गरम खाते हैं ना तो उसके तुरंत बाद पानी, खाना खाने के बाद तुरंत देर बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शुभ रात्रि।